फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक प्रेगनेंसी एंड हेल्थ टिप्स। तो आज बात करेंगे इंटरकोर्स करने का टाइमिंग क्या होना चाहिए, सही टाइम क्या है जो प्रेगनेंसी करने के लिए मदद होगा। बहुत सारा कपल का मन में ये सवाल रहता है, कहीं हम लोग का इंटरकोर्स का टाइम के वजह से तो कंसीव नहीं हो रहा है, ऐसा सबका मन में रहता है। बहुत सारा कपल का मन में ये धारणा रहता है, हम लोग का इंटरकोर्स का टाइम जो है शायद इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज बात करेंगे इंटरकोर्स का टाइम कितना होना चाहिए कंसीव होने के लिए। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग तो ये है, ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जो कोई भी टाइम फिक्स नहीं है कि आपको इतना टाइम इंटरकोर्स करने से ही कंसीव होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना टाइम कंफर्टेबल है। लेकिन इंडिया में जो नॉर्मल इंटरकोर्स का टाइमिंग होता है 5 से लेकर 10 मिनट तक होता है, ये जो टाइमिंग है ये नॉर्मल टाइमिंग है। अगर इससे कम टाइमिंग 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर में आपका इजाकुलेट हो जा रहा है, देन ये प्री इजाकुलेशन का प्रॉब्लम है। अगर आपका टाइमिंग जो है 5 से 10 मिनट के अंदर ही इजाकुलेट हो रहा है, देन इसमें कोई भी इशूज नहीं, ये नॉर्मल टाइमिंग होता है। और खास करके स्पेशली कंसीव करने के लिए ऐसा कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। आपको सिर्फ इंटरकोर्स के दौरान ये ध्यान में रहना चाहिए कि वजाइना में इजाकुलेट होना चाहिए। अगर आपका वजाइना में सीमेन जो है इजाकुलेट होता है, देन आपका कंसीव हो जाता है। वो मतलब टाइमिंग कोई बड़ा बात नहीं होता है। बहुत महिलाएं बात करते हैं, आप लोग भी सुने होंगे कि 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा ये सब इंटरकोर्स का टाइमिंग होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका 15 मिनट से ज़्यादा होता है देन ये भी अब नॉर्मल होता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी एंड हेल्थ टिप्स।